अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए हजारों भक्त भोर से ही मंदिरों के बाहर जमा हो गए। प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश कर रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। जिलाधिकारी पुलकित खरे और SSP शैलेश कुमार पांडे खुद प्रत्येक पॉइंट पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। नए साल के पहले दिन ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ वृंदावन में उमड़ रही है। इस मौके पर अपने आराध्य के दर्शनों के लिए करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए सुबह 3 बजे से भक्तों की भीड़ लाइनों में लगी दिखाई दी। मंदिर के पट खुलते ही जत्थे के जत्थे बिहारी लाल की जय जयकार करते हुए मंदिर में प्रवेश करने लगे। जिलाधिकारी पुलकित खरे और SSP शैलेश कुमार पांडे सुबह से व्यवस्थाओं का जायजा लेने में जुटे रहे। वहीं पुलिस द्वारा CCTV से हर श्रद्धालु पर नजर रखी गई। SSP लगातार कंट्रोल रूम में बैठे पुलिसकर्मी से हालात का जायजा लेते दिखाई दिए। फेयर इनफ था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, स्टार्टिंग में रश बहुत है, बट अंदर आप जाओगे ना तो बड़े अच्छे से हो जाएगा। लग नहीं रहा था, बहुत पास से दर्शन हो जाएंगे, बट हो गए थे। और क्या सुझाव रहेंगे कुछ आपकी तरफ से? कुछ सुझाव नहीं, सब बढ़िया था। बस हाँ ये है कि थोड़ा जब यहाँ पे जो रश होता है वहाँ थोड़े बैरियर्स होने चाहिए ताकि बच्चे बच्चों के ना लगे, जैसे कि गिर गए थे थोड़े लोग। नहीं, पहले भी आई हूँ बट अभी भीड़ ज़्यादा थी। पहले नॉर्मल डेज में आई हूँ बट अभी ऐसा था कि न्यू ईयर है तो अच्छा है।